हुक्का होता है तीन चार तरह का। अच्छा, इसमें एक तो होता है फरसी बोलते हैं जी, जो काफी बड़ी होती है, और इसको बोलते हैं अपने पाकिस्तानी फरसी। नमस्कार किसान साथियों, आज का वीडियो थोड़ा अलग है और आज का वीडियो बहुत खास भी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि कोई गायकी के कलाकार नहीं है, ये हैं हस्तकला के कलाकार। इनके पास बहुत ही बेहतरीन कला है और ये लकड़ी के हर आइटम बनाते हैं। तो आज इनसे मिलकर जानेंगे कि ये लकड़ी के कौन कौन से आइटम बनाते हैं। जहां तक मैंने सुना है, ये खेती में काम आने वाले कृषि यंत्रों से लेकर हर प्रकार का आइटम लकड़ी का बनाते हैं। कोई भी यदि अपनी फोटो बनवाना चाहते हैं तो वो फोटो सेम वैसे की वैसी ये बना देते हैं। तो आज इनसे मिलकर जानेंगे कि इनकी जो कलाकारी है वो किस प्रकार की है और ये क्या क्या चीजें लकड़ी की बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबसे पहले तो बताइए, जैसे ये हुक्का रख रखा है आपने, ये हुक्का किस प्रकार बनाते हैं, कितने प्रकार का बनाते हैं आप? सर, ये हुक्का होता है तीन चार तरह का। अच्छा, इसमें एक तो होता है फरसी बोलते हैं जी, जो काफी बड़ी होती है, और इसको बोलते हैं अपने पाकिस्तानी फरसी। ठीक है, तो ये एडजस्टेबल होती है, ये ऊपर नीचे हो जाती है। ऊपर नीचे हो जाती है, नीचे बैठ के ऊपर, मतलब कहीं कुर्सी पर बैठ के भी पी सकते हैं, अपने नीचे लेट के भी पी सकते हैं। और मेन बात इसका ये है कि जो दूसरे हुक्के के मुकाबले ये लकड़ी का बनाया है, पानी डालने वाला, जो इसमें पानी गर्म नहीं होता। अच्छा, पानी ठंडा रहता है इसके अंदर। और रोएडे की लकड़ी का बना हुआ है, रोएडे की लकड़ी से बना हुआ है। और देखने भी में भी किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक इसका आ रहा है। और यदि आप कोई शादी वगैरह के अंदर भी बुकिंग करवा सकते हैं इनका। हाँ, आम आदमी ले जाते हैं, घर के लिए भी, घर के लिए भी ले जाते हैं, दाद वगैरह के लिए ले जाते हैं। वैसे तो धूम्रपान को मैं निषेध मानता हूँ, इसके खिलाफ हूँ, पर हस्तकला के कारण। अच्छा, ये एक मतलब अनूठी पहल है। अभी पहले भी चलते हैं, अगर पीतल के चलते हैं, लोहे के चलते हैं, अलग अलग धातुओं के, पर मैंने लकड़ी का तैयार किया। अच्छा, ये पूरा का पूरा मतलब लकड़ी का? हाँ, पूरा का पूरा लकड़ी का तैयार किया। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या बनाते हैं आप लकड़ी के? और सर, हम जैसे जो भी आर्ट होती है, जितनी भी आर्ट होती है, जैसे फोटो हो गई लकड़ी की, जो ये सारे यहाँ पे सब आपने बनाए हैं अलग अलग, जैसे गणेश जी की, जैसे गणेश जी की मूर्ति है, मैंने अपने हाथों से बनाई। अच्छा, और इसमें किसी भी प्रकार के मतलब बिजली से चलने वाले यंत्र का उपयोग नहीं किया, मैंने अपने हाथों से खुदाई की इसके अंदर पूरी। और एक ही लकड़ी यूज की थी, सिंगल लकड़ी है, इसमें कहीं जोड़ नहीं, और रोडे की लकड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा, और इसको ये तो जैसे देवी देवताओं को हर प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं। जैसे आपने कृष्ण जी की बना रखी है यहाँ पे, अम्बेडकर साहब की है, भारत माता की भी है यहाँ पे। और ये जैसे अपने कृष्ण कन्हैया की मूर्ति बनाई है मैंने। अच्छा, एक ये घड़ी भी आप बनाते हैं, घड़ी दिखाई है। हाँ, अलग अलग तरह की, जैसे वाच बनाता हूँ मैं, जैसे ये देखो, ये मतलब क्या है, लकड़ी की घड़ी है जो तर रही है। और वैसे इसमें भी हर प्रकार का डिजाइन आपने, ये भी दिखाई, हर प्रकार का डिजाइन बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जैसे जो चाहे वैसे भी बना सकता है इसमें। ये जैसे टेबल पे रखने के लिए और वॉल पे टांगने के लिए अलग अलग तरह की, मतलब जो जैसे बनाने चाहिए। यहाँ पे भगत सिंह जी की भी बना रखी है। ये मूर्ति मैंने भगत सिंह जी की पहली मूर्ति बनाई थी। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट मूर्ति है? फर्स्ट मूर्ति है। तो ये इसमें थोड़ी बहुत कमियां जरूर है, पर मैंने निरंतर लगा रहा मैं अपनी कमियों को, धीरे धीरे आपने सुधार किया उसमें। और अब तो आप मतलब, हमने तो यहाँ तक सुन रखा है कि यदि कोई अपनी जैसे फोटो भी बनवाना चाहे, वैसे की वैसे फोटो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं। तो ये कितने साल से आप ये कलाकारी कर रहे हैं? मेरे को लगभग हो गए सर ढाई से तीन साल पर। ढाई से तीन साल। और लगभग कितनी मूर्तियां और ये हुक्के वगैरह आपने बना दिए? मैंने लगभग 40 से 45 हुक्के बना दिए। 40 से 45। हाँ, जो लोग अपनी लड़कियों के दाज में भी देना पसंद करते हैं, एक मतलब अच्छी नई चीज
नई चीज है और आइटम भी देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और जैसे मैंने ये भारत माता की फोटो बना रखी है। अच्छा, ये देखो आप, जैसे इसमें भारत माता की फोटो है, पीछे तिरंगा झंडा है। आपने फोटो मतलब देख के फोटो रख के देख के? अच्छा, ये एक बालक की फोटो है जो देशभक्ति का तिरंगा ले रखा है, तिरंगा ले रखा है और देशभक्ति का संदेश दे रहा है। ठीक है, तो ये तो जैसे आपने उठे के बारे में बता दिया, मूर्तियों के बारे में बता दिया, और क्या डिजाइन बनाते हैं ये? जैसे घर में यूज होने वाले जैसे अपने ट्रे वगैरह, ट्रे है, डिनर सेट है, कप है, कटोरी है, और छोटी मोटी जैसे ज्वेलरी भी अपने लकड़ी की ज्वेलरी भी बना देते हैं। ज्वेलरी कोई बनाई हुई है? बिल्कुल है सर, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये क्या आइटम है? ये मतलब एक बॉक्स, कलाकारी तो आपकी वास्तव में बहुत ही देशभक्ति सम्मानजनक है। जैसे और किसान भाइयों, आपसे उम्मीद है कि आपको अगर इनकी कलाकारी पसंद आई तो इनसे आप संपर्क जरूर करें। अगर आप संपर्क नहीं करते हैं तो भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी अच्छी कलाकारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी मतलब फेमस हो, पूरे देश में इनकी कलाकारी फेमस हो, हमारा उद्देश्य यही है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथी किसान भाइयों तक, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि इनकी कलाकारी को एक सही मुकाम मिल सके। जो इनको मिलना चाहिए मुकाम, वो इनको मुकाम मिल सके। जैसे ये वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जी, अम्बेडकर साहब की है, तो वल्लभ भाई पटेल, अच्छा वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, और जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अम्बेडकर साहब तैयार की है अपने हाथों से। ठीक है, तो आपको तो हर प्रकार का आइटम चाहे वो कुछ भी हो लकड़ी का ये बनाते हैं। जैसे ये हल बनाया, ये लकड़ी का हल है, एक सिंपल मतलब वो डिजाइन के हिसाब से बनाया है। अगर कोई किसान भाई कोई यंत्र बनाना चाहता है, छोटे बड़े छोटे बड़े किसी भी प्रकार का, तो हर प्रकार का ये बनाते हैं। और कीमत का क्या रहता है? कीमत हर प्रकार के यंत्र की अलग अलग होगी, हर प्रकार के आइटम तो ऐसे सर मतलब टाइम के हिसाब से होती है, और कला की कोई कीमत नहीं मानता मैं, तो कला को बेचना पसंद भी नहीं करता। ठीक है, तो मेरा बेचने का मकसद नहीं है, कला को संजो के रखने का। ठीक है, आपका उद्देश्य है कि आपकी कला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कमाई का उद्देश्य नहीं है, लेकिन इनका नाम हो, इनकी कला हर किसी के पास पहुंचे, ये इनका उद्देश्य है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर आदमी तक इनकी कला को पहुंचाने में हमारा सहयोग जरूर करें। इसके अलावा मैंने तो ये भी सुना है कि आप जैसे कृषि मेले हैं, उद्योग मेले हैं, उनमें भी भाग लेकर वहाँ पे भी अपने वो प्रदर्शनी भी लगाते हैं। लगाते हैं जैसे। और क्या कहाँ कहाँ आपने लगाई है, और क्या उसमें लोगों का रुझान क्या रहा, क्या फीडबैक रहा लोगों का? इस पे मतलब अगले आदमी की रुचि पर होता है, जो आदमी इस कला को समझता है वो बड़े गौर से इसको देखता है और परखता है जी, और जो इसको समझता नहीं है या समझ नहीं आते उसके लिए कुछ भी नहीं। हाँ, उसके लिए तो जो कला समझता है वो मतलब बहुत अच्छी कला। अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ अभी तक भाग लिया है? मैंने हनुमानगढ़ में कृषि मेले में, ये कृषि मेला हनुमानगढ़ के अंदर मैंने भाग लिया है, और गंगानगर में भी मैंने जैसे सब मंडी यार्ड में अपनी प्रदर्शनी लगती है, उधर भी मैंने अपना प्रदर्शनी लगाई हुई है, और मामा सर सेकाउटी उत्सव बोलते हैं ना, सेकाउटी में उधर भी प्रदर्शनी लगती है मामा सर। हाँ, मामा सर के अंदर सेकाउटी, तो काफी जगह यहाँ प्रदर्शनी भाग लेते हैं। और यदि कहीं और भी आपके नजर में कहीं प्रदर्शनी का इस तरह का हो तो आप जरूर बताएं, ये अपनी कला वहाँ पर अपनी पहुंचा सकें। तो पवन जी, आपकी कला वास्तव में बहुत ही बेहतरीन है और हमें बहुत पसंद आई। तो अब आप हमारे किसान साथियों को आप अपना मोबाइल नंबर और पता बताएं, ताकि ये आपसे संपर्क कर सकें। जैसे
मेरा नाम पवन कुमार है और मैं गेतरंटी गांव से एक छोटा सा कस्बा है उसमें रहता हूँ, तहसील रायसिंहनगर और जिला श्री गंगानगर। और मेरा मोबाइल नंबर है 94147607744 9414760704। तो ये पवन जी गेतरंटी गांव के रहने वाले हैं जो कि श्री गंगानगर जिले के अंदर है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार का लकड़ी का आइटम बनाने के लिए, और इनकी जो कला है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये अपना सही मुकाम प्राप्त कर सकें और इनको एक बेहतरीन रोज़गार मिल सके, इनकी मेहनत का जो सम्मान है वो ये प्राप्त कर सकें।